आराम से पहले समझते हैं बुक लिस्ट कि हम भाई मैदान में जा रहे हैं तो हमारा अप्रोच क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स है, लगभग 30 से 35 40 सवाल आपके करंट अफेयर्स से आते हैं, ठीक है। कुछ डायरेक्टली करंट अफेयर्स आते हैं, कुछ आपका जीएस से संबंधित करंट अफेयर्स भी आ जाता है, लेकिन 30-35 प्लस आपके क्वेश्चन करंट अफेयर्स के रहते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स पिछले 2-3 साल से मैं देख रहा हूं कि करंट अफेयर्स जो है बहुत टफ आ रहा है। थोड़ा सा पहले, आज से 2-4 साल पहले, करंट अफेयर्स बहुत सिंपल पूछा जाता था, तो एक आधा किताब से काम चल जाता था, लेकिन पिछले 2-3 साल से करंट अफेयर्स लगातार बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, एग्जामिनर आपको सरप्राइज कर रहा है, तो एक किताब के भरोसे नहीं बैठा जा सकता, ठीक है। थोड़ा सा मल्टीपल सोर्स लेके चलते हैं, क्योंकि अभी भी मुझे लग रहा है कि कोई ऐसी सोर्स नहीं है अवेलेबल मार्केट के अंदर जो ये क्लेम कर सके कि नहीं भाई इस किताब से या इस यूट्यूब चैनल से पढ़ के ही करंट अफेयर्स निकल जाएगा, नहीं है। हमें अपना प्लान ए बी सी करना पड़ेगा, ये करंट अफेयर्स की में है। तो जो तीन किताबें जो है मुझे अभी लगता है कि आपको करंट अफेयर्स के लिए पढ़नी चाहिए, वो है, एक है घटनासार, फोटो देखिए आप, अच्छा थोड़ा स्पीड मेरी तेज रहेगी तो आप वीडियो को पॉज करके रोक कर बुक नोट्स बना लीजिएगा। सारी किताबें इंपॉर्टेंट है, जो मैं तरीका बता रहा हूं सब उसको फॉलो कीजिएगा बिल्कुल फटाफट, मतलब आप वीडियो अगर स्पीड तेज लगे, क्योंकि अगर बहुत स्लो चलाऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, मैं तेज चलूंगा लेकिन आप जहां फंसो वहां रोक देना, ठीक है। घटनासार किताब बहुत अच्छी है, बहुत है, एक मंथली भी आती है, मंथली तो नहीं आती है, ये 6-6 महीने में आ जाती है, या इनका अलग अलग तरह से एडिशन चलता है। किताबें हिंदी में अवेलेबल रहती हैं, ठीक है, ये किताब हिंदी में ही आती है। इंग्लिश मीडियम वालों को दिक्कत रहेगी करंट अफेयर्स को लेकर, लेकिन मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि प्लीज अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, क्योंकि इंग्लिश में करंट अफेयर्स को लेकर बहुत अच्छी चीजें अवेलेबल नहीं है। यूपीएससी करंट अफेयर्स भरोसा मत करना, क्योंकि वो पीसीएस में 100% नहीं आता, थोड़ा बहुत आ जाएगा, अपने विजन आईएएस का पढ़ लिया, ज्यादा आता नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा जैसा देश वैसा भेष, थोड़ा सा कंफर्टेबल जोन से बाहर निकल के हिंदी पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। अभी कोई मार्केट में किताब ऐसी अवेलेबल नहीं जहां पे मैं रेकमेंड कर सकूं कि अंग्रेजी में पढ़ लो, ये अवेलेबल है, ठीक है। एक आधा किताबें आती है बट बहुत ही फ्रूटफुल नहीं है, ठीक है। तो पहला घटनासार पढ़िएगा, दूसरा है समसामयिक क्रॉनिकल, ये बहुत अच्छी किताब है, इसको आप देखिएगा, समसामयिक क्रॉनिकल, ये मंथली मैगजीन है, 40-50 वर्ग मिल जाती है, और दूसरा ई दृष्टि है, ये इंग्लिश में आती है, तो इसको भी देख लीजिएगा। तो तीन किताबें, घटनासार, समसामयिक क्रॉनिकल, ई दृष्टि, इन तीनों किताबों को पढ़िएगा। करंट अफेयर्स कितना पढ़ना है, 6-8 महीना, एग्जाम होने से ठीक 6-8 महीना पहले, यानी एग्जाम अगर अगस्त में है तो जनवरी से ले लीजिएगा, तो एग्जाम होने से कम से कम 6 महीना और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 8 महीना तो आप करंट अफेयर्स पढ़ के जाइएगा, और ये तीन किताबें पढ़ के जाइएगा। इसमें आपका 30 प्लस अगर सवाल आएंगे तो जहां तक मुझे लगता है 20-25 सवाल आपके निकल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये कर लीजिएगा, किताबें नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं इकोनॉमी में, इकोनॉमी के अंदर आपका 15-20 सवाल आते हैं, 15-20 सवाल आते हैं। इकोनॉमी की कहानी क्या है, देखिए इकोनॉमी में दो तरह के सवाल आते हैं, एक आता है सिंपल सा जो रूटीन सा थ्योरी आती है, ठीक है, थ्योरी आती है, और एक कुछ पोर्शन आता है करंट अफेयर्स से, यानी कि वो सवाल जो इकोनॉमी का है लेकिन वो करंट अफेयर्स से, जैसे कि जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी चल रही है, ठीक है, तो पर कैपिटा इनकम कितनी आजकल है चल रही है, तो रिपोर्ट कोई आई है, तो इस तरह से जो आता है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स का भी सवाल जुड़ा हुआ आता है और थोड़ा सा जीएस का भी आता है। किताब जो जीएस के लिए पढ़, मतलब जो थ्योरी के लिए पढ़नी है, हाई फाई नहीं पढ़नी है, रमेश सिंह वगैरह कुछ नहीं, यूपीएससी वाला कुछ नहीं पढ़ना, पीसीएस में नहीं आता बिल्कुल भी, ठीक है, कोई चक्कर में ना फंसना आप लोग, किसी चले गया यहाँ मृणाल पटेल का वीडियो देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, वो सुनने में अच्छा लगता है, वो यूपीएससी का कॉन्टेंट है, पीसीएस में काम नहीं आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, आप परीक्षा वाणी किताबें लेना, ठीक है, परीक्षा वाणी की भारतीय अर्थव्यवस्था ले लीजिएगा, हिंदी में आती है, इंग्लिश वालों को दिक्कत आएगी, बिल्कुल आएगी, सब्स्टिट्यूट नहीं है अभी इंग्लिश में, नहीं है सब्सिट्यूट अवेलेबल। थोड़ा सा कोशिश करना कि इसी किताब को पढ़ने की कोशिश करना, क्योंकि इसमें जो करंट जो इकोनॉमी के जो सवाल है वो जो पीसीएस में आते हैं वैसा दिया गया है, जैसे कि पंचवर्षीय योजना क्या है, इस तरह की चीजें जो है वो दी गई हैं, तो वो पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं पढ़ पा रहे हो तो भी मैं एक रास्ता दूसरा है कि आपको पढ़ना पड़ेगा ये घटनाचक्र का पूर्वालोकन। देखिए घटनाचक्र पूर्वालोकन क्या है, एक ऐसी किताब जो पिछले 25-30 साल का करंट, 25-30 साल का पीवाईक्यू लेकर चल रहा है, पीवाईक्यू में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है, तो जो पूर्वालोकन जो है घटनाचक्र का वो एक 25-30 साल का एक क्वेश्चन बैंक है, ठीक है। ये सभी सब्जेक्टों का करना है, चाहे आप इकोनॉमी का हो, चाहे पॉलिटी का हो, चाहे साइंस का हो, तो करना ही करना है, लेकिन पहला स्टेप है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था स्टैंडर्ड किताब पढ़नी है आपको। इंग्लिश वालों के लिए दिक्कत क्या है कि अगर ना समझ में आए तो आप इसमें ये चाहिए, घटनाचक्र इंग्लिश में आती है, आप इसके अंदर थ्योरी दी गई है, आप इसकी थ्योरी भी यूज कर सकते हो आप, ठीक है, थोड़ा बहुत एड ऑन कर लीजिएगा दयामान से, लेकिन
ठीक ठाक सी इसकी मिल जाती है। हिंदी वाली किताब पर जरूर पढ़ के जाए, ठीक है, ज्यादा गहराई में नहीं जाना है, सिंपल थ्योरी पढ़नी है, ज्यादा हाई फाई चीजें नहीं आती हैं, सिंपल वाला जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, पर कैपिटा इनकम क्या होता है, गिनी कोएफिशिएंट क्या होता है, लॉरेंस कर्व क्या होता है, बस यही सब पूछा जाता है, बेसिक बेसिक सा आप पढ़ लीजिएगा, पंचवर्षीय योजना क्या होती है ये सब आएगा, ठीक है। और जो जो इंग्लिश वाले हैं वो घटना चक्र की जो इंग्लिश मीडियम की किताब आई हुई, ये इंग्लिश में भी होती है, हिंदी में भी होती है, तो इंग्लिश में जो थ्योरी दी हुई है थोड़ी सी आप उसको पढ़ लीजिएगा, अगर कुछ और नहीं पढ़ सकते, कुछ और नहीं अवेलेबल आपके पास है, लेकिन थ्योरी दाएं बाएं से बहुत ज्यादा पढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि समय बचाना है, एक साल में हमें एग्जाम क्रैक करना है तो समय बचाना है, ठीक है। पहले ये पढ़िएगा, बाद में ये पढ़िएगा, पहले थ्योरी पढ़िएगा तब पीवाई को लगाएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, घटनाचक पहले पढ़ लेते हैं, ना भाई, पहले थ्योरी पढ़िएगा, पहले अपना बेस बनाइएगा, ठीक से पढ़िएगा, देन घटनाचक लगाइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, साइंस पढ़ते, साइंस सेकंड में आता है, 25 से लगभग 25 सवाल के आसपास साइंस में आता है, ठीक है। इसके दो सोर्सेस है, सबसे अच्छा तो है कि आप एनसीईआरटी पढ़ लो, क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए, ठीक है। अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो ल्यूसेंट की जर्मन नॉलेज की किताब आती है, इसकी इसकी इसके ल्यूसेंट की साइंस भी आती है, जर्मन साइंस भी आती है, तो वो भी किताब आप ले सकते हो, ठीक है, ये वो ले लीजिएगा, ये ले लीजिएगा, या एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, जो पढ़ लीजिएगा, क्लास 6 to 10th है आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। साथ में घटनाचक्र पढ़ लीजिएगा, घटनाचक्र जो है हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है, वो जरूर पढ़ लीजिएगा। तो वैसे तो ल्यूसेंट जो है वो एनसीईआरटी का ही निचोड़ है, ठीक है, तो या तो एनसीईआरटी पूरी पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए, नहीं तो आप ल्यूसेंट पढ़ लीजिए, ल्यूसेंट से आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं है, सिंपल साइंस आती है, खासकर बायोलॉजी ज्यादा आता है इसके अंदर, ठीक है। मान लो 25 सवाल आ रहे हैं तो 12 से 15 सवाल आपके बायोलॉजी के होंगे, 7 से 8 सवाल आपके फिजिक्स के होंगे, 2-3 सवाल आपके केमिस्ट्री के होंगे, ठीक है, आपका ल्यूसेंट से काम चल जाएगा, ठीक है। ये तीसरा जो है जो हाई स्कोरिंग है वो एनवायरमेंट है, लगभग 12 से 15 सवाल एनवायरमेंट के आते हैं, ठीक है। एनवायरमेंट के लिए एनसीईआरटी की एसएसटी पढ़ सकते हैं, ठीक है, जैसे जो 6 से 12 के बीच में आती है, साइंस 6 से 10 है, ये एनवायरमेंट है 6 से 12 में जो एसएसटी आती है, ठीक है, वो पढ़ लीजिएगा, नहीं तो शंकर आईएएस का जो एनवायरमेंट है इसकी किताब आती है, ये पढ़ लीजिएगा, लेकिन सेलेक्टिव होकर पढ़िएगा, क्योंकि ये थोड़ी सी यूपीएससी ओरिएंटेड है, थोड़ा छाट बिन करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है ये, क्योंकि इंग्लिश के लिए है, इसलिए हिंदी में अवेलेबल नहीं है, तो जो इंग्लिश में पढ़ते हैं वो शंकर आईएएस का पढ़ सकते हैं, जो हिंदी पढ़ जाते हैं वो इस किताब को परीक्षा वाणी की पढ़े, परिस्थितिकी एवं पर्यावरण की जो है इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट किताब परीक्षा वाणी की है, हिंदी वाले ये पढ़ लें, इंग्लिश वाले ये पढ़े, ठीक है, वो भी सेलेक्टिव होकर पढ़े, हिंदी वाले ये पढ़े, ठीक है। उसके बाद घटनाचक्र लगाएंगे आप लोग, इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल आती है, पर्यावरण और परिस्थितिकी इंग्लिश में भी आती है, हिंदी में भी आती है, ये किताब लगा लीजिएगा। तो पहले थ्योरी पढ़नी है, देन आपको पीवाईक्यू पढ़ना, पीवाईक्यू पहले शुरू नहीं करना है, पहले थ्योरी ही पढ़नी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में लगभग 20 से 25 सवाल आते हैं ज्योग्राफी के अंदर भी, इसमें दो रास्ते हैं, या तो एनसीईआरटी क्लास 6 से 12 पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी बहुत अच्छी किताब है, ठीक है, खासकर 11th क्लास की एनसीईआरटी बहुत अच्छी बात है, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। अगर आप ये नहीं पढ़ना चाहते तो और हिंदी पढ़ते हैं, तो हिंदी में दो सोर्स आपके अच्छे हैं, एक है परीक्षा वाणी की, इसमें भारत का भूगोल, ठीक है, और विश्व का भूगोल, दो किताबें हैं, ठीक है, कौन सा है, भारत का भूगोल, ठीक है, और विश्व का भूगोल, दो हैं, दो तरह की किताबें हैं, किताब रहते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी, या आप पढ़ सकते हैं महेश कुमार बनवाल, ठीक है, ये हिंदी में भी आती है और इंग्लिश में भी आती है, तो हिंदी में ये है भूगोल एक समग्र अध्ययन और महेश कुमार बनवाल की ज्योग्राफी एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी, तो इंग्लिश में पढ़ने वालों के लिए ये किताब बेहतर रहेगी। हिंदी वालों के लिए दो ऑप्शन है, या तो परीक्षा वाणी ले लें या तो महेश कुमार बनवाल ये ले लें, और इंग्लिश वालों के लिए एक ऑप्शन है, वो है ये महेश कुमार बनवाल का इंग्लिश वाला ले लीजिएगा, ठीक है, दोनों किताबें तो आप देख लीजिएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है किताब, ये हिंदी वाले ये भी देख सकते हैं, इंग्लिश वाले के लिए तो यही सही रहेगा, ठीक है। बाकी एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको पीवाईक्यू लगाना है, ठीक है, जो इंग्लिश और हिंदी दोनों जगह में आता है, घटनाचक्र आता है, आप इसको लगा, मैंने कहा घटनाचक्र पीवाईक्यू तो हर सब्जेक्ट का लगाना ही लगाना है, ठीक है। फिर आता है आपका पॉलिटी, पॉलिटी की बात करते हैं तो लगभग 20 से 25 सवाल पॉलिटी में आते हैं, तो लक्ष्मीकांत किताब आती है, जो हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में अवेलेबल है। लक्ष्मीकांत थोड़ी सी मोटी किताब है, किताब बहुत अच्छी है, थोड़ी मोटी किताब है, लेकिन जो कि लोग पढ़ नहीं सकते, उम्र होता बहुत मोटी किताब है और थोड़ा सा कम पढ़ना है, तो पहले तो लक्ष्मीकांत ही है अच्छी किताब, इसमें किताब में कोई खराबी नहीं है। अब आप पढ़ सकते हो कि नहीं पढ़ सकते हो ये आपके ऊपर है। अगर आप ये नहीं पढ़ पा रहे हो तो आपके पास सेकंड ऑप्शन आता है, वो परीक्षा वाणी की आती है, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, बहुत अच्छी किताब है, पीसीएस के लिए बेस्ट किताब मानी जाती है। मैं अगर आप बोलूं कि लक्ष्मीकांत मैं यूपीएससी के दौरान तो पढ़ी थी, लेकिन पीसीएस के लिए मैंने इस किताब को ही पढ़ा है, अपने पर्सनल इस किताब को पढ़ा है और कोई दिक्कत नहीं हुई है, पॉलिटी बहुत अच्छे तरीके से हैंडल हुई है यूपीसीएस के अंदर। तो जरूरी नहीं कि आप लक्ष्मीकांत कितनी मोटी किताब पढ़ो, आप ये भी किताब पढ़ सकते हो अगर हिंदी में, क्योंकि किताब हिंदी में अवेलेबल है, इंग्लिश में नहीं आती है ये, इंग्लिश के लिए आपको लक्ष्मीकांत ही पढ़नी पड़ेगी आपको, ठीक है।
उसके बाद आप घटनाचक्र लगा लेंगे, इसके अंदर ये पूर्वालोकन है, घटनाचक्र लगा लीजिएगा, सामान्य अध्याय पूर्वालोकन भारतीय राजव्यवस्था एवं शासन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हिस्ट्री, हिस्ट्री में आपके 20 से 25 सवाल आते हैं और ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेट करता है। हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी है, क्लास 6 से 12 के बीच एनसीईआरटी है, वो पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। एनसीईआरटी के साथ साथ आप ना एक चीज और देखिए, मैं दो किताबों का नाम यहां पे रहा हूं, एक है भारतीय इतिहास, ये असल में वैकल्पिक विषय हुआ करता था, यानी कि पुराने आज से 10-12 साल पहले प्री के अंदर भी ऑप्शन आया करता था, तो उसके लिए किताब लिखी गई थी। फैक्ट्स बहुत ज्यादा है इस किताब के अंदर, अच्छी किताब है लेकिन फैक्चुअल किताब है, हिंदी में है, इंग्लिश में नहीं आती है, हिंदी में आती है, फैक्चुअल किताब है। अगर फैक्ट्स बहुत पढ़ सकते हैं, ठीक है, तो ही किताब लीजिएगा। कोई कहानी बहुत अच्छे तरीके से लिखी नहीं गई है लेकिन फैक्ट्स 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 के साथ ये आए हुए, तो ये किताब आप ले सकते हो, पतली किताब है लेकिन फैक्ट्स से भरपूर है, किताब अच्छी है, किताब में कोई डोराई नहीं है, बहुत बढ़िया किताब है। दूसरे का ऑप्शन आता है, नया नया आया है, भारत का इतिहास आया, ये परीक्षा वाणी की किताब है, इसके इसमें आधुनिक यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री और एंशियंट हिस्ट्री अभी तक अवेलेबल है, तो दो किताबें ले सकते हैं। ये थोड़ी किताब है, ये नया किताब है और थोड़ी सी कहानी के साथ लिखी गई है, तो आप इसको हैंडल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये भी किताब अच्छी है, ये फैक्चुअल किताब है, पतली है, फैक्चुअल है, फैक्ट्स के साथ है, ये भी किताब अच्छी है, आप चाहे दोनों ले सकते हो, बल्कि मैं तो रिकमेंड करूंगा दोनों, एक से ज्यादा सोर्स भी आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों किताबें ले सकते हो, ठीक है। एक किताब साथ में एस के पांडे, अब ये प्राचीन भारत, भारत ये मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, ये तीनों आती हैं, आप इनको भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी एस के पांडे, तो इन तीन में से ऐसा हो तीनों ले लो और हर टॉपिक को तीनों से पढ़ लो, या कम से कम दो टॉपिक से तो पढ़, दो किताबों से पढ़िएगा, जिससे कि आपका टॉपिक थोड़ा सा अच्छे तरीके से कवर हो जाए, ठीक है। साथ में घटनाचक्र की पूर्वालोकन है पढ़िएगा, ये जो हिस्ट्री है ये अपने आप में बहुत मोटी सी किताब है, पतली किताब बहुत मोटी सी किताब है, तो इसको भी खत्म करने में समय लगेगा, तो हिस्ट्री आपका सबसे ज्यादा समय लगेगा, तो थोड़ा सा सिलेक्टिव होकर पढ़िएगा, थोड़ा सा टाइम को कैलकुलेट करके पढ़िएगा, सारा समय हिस्ट्री को नहीं देना है, नहीं तो हिस्ट्री सारा समय खा जाएगी और आपको कुछ हाथ लगेगा नहीं। जो सीक्वेंस मैंने बताया है आपको पढ़ने का, बस उसी सीक्वेंस के साथ आप पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है। हिस्ट्री में